सो हम डिस्कस कर रहे थे बैड इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन, है ना। तो पिछले कल हमारा टॉपिक था बैड इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होती मालूम है? हाँ जी, डिफ्लेशन क्या होती है? किसी वस्तु का बहुत ज्यादा सस्ता हो जाना, है ना। नहीं, वो अच्छा है, देखो वो अच्छा है, वो किसके लिए अच्छा है? नहीं, डिफ्लेशन माने बहुत सस्ता हो जाना। तो कोई चीज जब बहुत सस्ती हो जाती है वो भी हानिकारक है, वो भी सही नहीं है। किसी वस्तु का बहुत ही सस्ता हो जाना हानिकारक है, देश के लोगों के लिए भी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक, इकोनॉमी के लिए हार्म होता है उससे। कैसे? जैसे आपको मैंने कल भी कहा था कि जो महंगाई है उसकी दर जो है वो हमेशा रहनी चाहिए 2% से किसके बीच में? 6% के बीच में। तो महंगाई तो हमेशा रहनी चाहिए, महंगाई तो हमेशा होनी चाहिए। मिनिमम महंगाई कितनी हो? 2%। और मैक्सिमम महंगाई कितनी हो? 6%। यदि महंगाई 2% से कम हो जाती है तो इसकी मार किसको पड़ती है? इससे कम हुई तो इससे अगर महंगाई कम होती है तो जो प्रोड्यूसर है, जो पैदा करता है, उसके बुरे दिन होंगे। आप प्रोड्यूसर किसान भी होता है, राइट? प्रोड्यूसर जो पैदा करता है वो किसान भी तो है, किसान भी तो पैदा करता है सब्जियां, अनाज पैदा करता है। जो बिजनेसमैन है वो प्रोड्यूस करते हैं कार, स्कूटर और कपड़े, जूते, ये सब वो बड़े अलग कैटेगरी के लोग हैं। और किसान भी पैदावार करता है चीजों की। और जब महंगाई 2% से कम हो जाती है तो इस पे मार पड़ती है। मगर महंगाई बहुत नीचे आ जाए, 2% से कम आ जाए और जीरो हो जाए। अगर महंगाई जीरो हो गई मीन्स जो दाम पहले थे, दाम अब भी वही है। महंगाई जीरो होने का मतलब ये होता है अब जो दाम पहले थे उससे कम हो जा रहे हैं, तो ये क्या हुई? डिफ्लेशन, मतलब महंगाई का नेगेटिव हो जाना, उल्टा चला जाना, डिफ्लेशन। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर प्याज के दाम, अगर प्याज के दाम पहले 150 थे तो आपके अकॉर्डिंग प्याज 150 मैंने महंगाई का दौर है कि नहीं है? 150 प्याज नहीं मिलता अमूमन, पर 150 अगर हो जाए तो ये महंगाई का दौर चल रहा है प्याज के मामले में। मगर इतने ज्यादा प्याज से रोएगा कौन? कौन रोएगा? उपभोक्ता। जो उपभोक्ता है वो रोना स्टार्ट कर देगा, आंख से आंसू आ रहे हैं प्याज को देखकर, राइट? तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है, सच में कह रहा हूं। अगर प्याज 200 रुपए किलो है तो आप अगर महीने में 4-5 किलो भी यूज कर लेते हैं, 1000 रुपए प्याज ही ले गए तो किचन का खर्चा बढ़ गया। तो बुरे दिन किसके हैं? उपभोक्ता के। पर अच्छे दिन किसके आ गए? किसानों के। तो जिसने प्याज की खेती की है उसने बहुत पैसे बनाए हैं। फिर तो इसमें हैप्पी कौन है? किसान, जिसने पैदा किया है। तो किसान बहुत हैप्पी है, किसान तो चाहता है कि 150 नहीं 1500 हो जाए और मजा आएगा। तो किसान के अच्छे दिन और उपभोक्ताओं के बुरे दिन, कंज्यूमर के बुरे दिन आ गए। मगर आपके अकॉर्डिंग प्याज के दाम क्या रहने चाहिए ताकि दोनों को ठीक लगे? कोई 35-40 रुपए या 30 रुपए या 25 रुपए। मगर प्याज है अगर 5 रुपए किलो आ जाए तो कौन रोएगा? फिर किसान रोएगा। और कौन हंसेगा? उपभोक्ता हंसेगा कि वाह अच्छे दिन आ गए, राइट? पर क्या रियली अच्छे दिन है ये? समाज में कई तरह के लोग हैं, कुछ उपभोक्ता हैं, कुछ जो है वो प्रोड्यूसर हैं, किसान हैं,
तो किसान को बहुत दिक्कत हो रही है इससे, क्योंकि जो उसने पैसा पूंजी लगाई खेती करने में, जो मेहनत लगाई, उसका कुछ भी वापस नहीं आया उसे। अगर दुकान पे आपको 5 रुपए किलो मिल रहा है तो शायद मंडी में बिका ही 1 रुपए का होगा, तो 1 रुपए में उसकी क्या लागत वापस आई होगी? तो किसान क्या करेगा फिर? आत्महत्या करना स्टार्ट कर देगा। कि जो पैसा लिया था कर्जे पे खेती करने को, वही पैसा वापस नहीं आया, अब क्या करूं मैं? तो कर्जे के बोझ तले वो आत्महत्या कर लेगा। तो बताइए कौन सी कंडीशन बड़ी होनी चाहिए? कंडीशन ऐसी रहनी चाहिए कि दोनों को फायदा पहुंचे। इसलिए महंगाई 2% से 6% तक रहनी चाहिए। महंगाई हमेशा होनी चाहिए, महंगाई बुरी चीज नहीं है, होनी चाहिए, पर अनकंट्रोल्ड महंगाई ना हो, बहुत महंगाई ना हो। तो आइडियल महंगाई की दर कितनी है? 2% से लेके 6% तक, कि 2% से नीचे भी ना आए और 6% से ऊपर भी ना जाए। जो मान लो दाम आज 100 रुपए है किसी चीज के, तो अगले साल इसी महीने कितने हो जाए उसके दाम? 100, ये बढ़िया है, राइट? या फिर 103 हो जाए, मतलब 3%, ये भी बढ़िया है। 4% मीन्स 100 का 104, ये भी ठीक है, बढ़िया है। 105 भी क्या है? ठीक है। 106 पे घंटी बज जाएगी, अब इतना आगे नहीं जाना है। और 102 से नीचे गिरे तो भी घंटी बजती कि नहीं, कंट्रोल करो कुछ से और बनाओ कुछ, ताकि जो महंगाई है 2% से 6% तक रहे। तो कई लोगों का मानना होता है कि महंगाई बुरी चीज है, महंगाई ने मार दिया, ये कर दिया। नहीं, महंगाई ज्यादा महंगाई मारती है, नॉर्मल महंगाई दोनों के लिए अच्छी होती है, किसानों के लिए या प्रोड्यूसर के लिए भी और लोगों के लिए भी फायदेमंद होती है। तो बहरहाल एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि महंगाई की आइडियल दर कितने की है? 2% से लेके 6% तक। अब आज का मेरा टॉपिक ये ना होकर फिलिप्स कर्व है, पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा हुआ कि अगर प्याज बहुत सस्ता हो गया, उपभोक्ता खुश हो जाएगा टेम्परेरी, पर अगले साल किसान कभी खेती नहीं करेगा प्याज की, तो नेक्स्ट ईयर प्याज की खेती फिर होती नहीं है। और प्याज कहाँ मंगवाना पड़ता है? कहाँ से? इजिप्ट और तुर्की से। तो तुर्की और इजिप्ट से प्याज मंगवाना पड़ रहे थे दूर से, तो प्याज और महंगा ही नहीं आएगा। तो दैट इज वाई हमें विदेशों से प्याज मंगवाना पड़ता है उस कंडीशन के अंदर। आज करते हैं फिलिप्स कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधे पूछते हैं आपसे कि फिलिप्स कर्व किस बारे में है। लेट मी सी, अभी तक क्लियर तो नहीं है, मगर ये फिलिप कर्व है और इतना पढ़ा नहीं जा रहा, पर मैं इसको बना ही देता हूं। तो ये फिलिप कर्व है, PHILLIP, फिलिप्स। तो फिलिप नाम के एक साइंटिस्ट ने, सॉरी नॉट साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट ने ये कर्व इन्वेंट किया, फिलिप कर्व। तो फिलिप्स कर्व, ये फिलिप नाम का इकोनॉमिस्ट 1914 से लेके इसने 1975 तक ये दुनिया में रहा, मीन जिसका ये बर्थ और डेथ का समय है। फिलिप कर्व क्या बोलता है? इस इकोनॉमिस्ट ने ये क्या बनाया था? इस तरफ है इन्फ्लेशन रेट, मीन्स महंगाई दर। तो इस तरफ है महंगाई दर और इस तरफ क्या है? बेरोजगारी दर, अंग्रेजी में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। तो महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर, इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इनके बीच में जो कर्व है आपने देखा ऐसे है, इस ऐसे कर्व है। ठीक है जी, ये कर्व क्या बोलना चाहता है हमें से अंडरस्टैंड करना है। ये कर्व कहता है कि महंगाई का बेरोजगारी से सीधा कनेक्शन है। महंगाई का बेरोजगारी से सीधा क्या है? कनेक्शन है। ये कुछ ऐसा कह रहा है, अंडरस्टैंड करिए। अब मैं इस पहले इसको समझाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। यदि महंगाई 1% है, मान लीजिए ये 1% लिखा है और ये बिंदु आप ऊपर ले जाइए,
तो यहाँ 1% है, ये 2% लिखा है, ये 3% लिखा है, ये 4% लिखा है, ये 5% लिखा है, 5% 6% 7% राइट, कुछ ऐसे है। और यहाँ भी 1% 2% 3% 4% ऐसे लिखा है राइट। इसमें पते की बात क्या है कि जब भी ऐसे ग्राफ होते हैं कि जहां यहां वाई जाए और यहां एक्स आए, तो इसका मतलब है कि एक दूसरे पे क्या है, ये डिपेंडेंट है। याद रखिएगा, जब भी एक्स वाई कर्व हमारे सामने आते हैं, मीन्स एक दूसरे पे क्या है, ये डिपेंडेंट है, माने इन्फ्लेशन और बेरोजगारी आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। अब ये जो कर्व इसने ड्रॉ किया है, ये देखिए कर्व जो ड्रॉ किया है, जैसे किसी पॉइंट पे इसको डिस्कस करते हैं, जिसने कर्व, इस कर्व को बोलते हैं फिलिप्स का कर्व, ठीक है जी। ये जो कर्व आपके सामने है, ये कर्व आपके सामने, इसे बोलते हैं फिलिप्स कर्व। यहां देखिए इस पॉइंट को, इधर मान लो पॉइंट ए, पॉइंट ए पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 1%, पर इसी पॉइंट पर ऊपर देखें तो महंगाई कितनी है, 7%। देखिए नहीं है, तो महंगाई 7%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1%, मैं बेरोजगारी दर कितनी है, 1%। और लास्ट पॉइंट देखिए, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां पर, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, और ये महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है यहां पर, 6%। तो इस पॉइंट पर जो महंगाई है काफी कम है कि नहीं है। अरे इस लाइन को आप ग्राफ पढ़ने आते हैं ना, आप ग्राफ को खींचेंगे तो इस ग्राफ को यहां पे देखिए, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट बी पॉइंट है, ये बतला रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 6%, महंगाई कितनी, बहुत कम, मैंने शायद 0.5% होगी, 0.5% होगी। ये ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है कि जब महंगाई बहुत कम होगी ना, बेरोजगारी हो जाएगी राइट, और जब महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी कम हो जाएगी। ये कुछ अजीब लग रहा आपको कि आप जैसे कह रहे थे अभी कि महंगाई बहुत कम हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि, हाँ जी चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं, इस चीज को कि ये जो कह रहे हैं कि फायदा होगा, आइए देखते हैं। हाँ जी ठीक ही बात, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी चीजें, वो सस्ते मिलेगा उसे फायदा है। पर देखिए क्या होता है, यहाँ किसान ने खेती करी, ठीक है, किसान ने खेती करी और प्याज बिका कितने का, 5 रुपए किलो का, तो ठीक कह रहे हैं कि हम लोग काफी खुश होंगे इस बार, सस्ता प्याज है। पर किसान जो ये खेती कर रहा है, दोबारा खेती है नहीं करेगा राइट, क्योंकि जब चीजें बहुत सस्ती हो जाती हैं तो जो पैदा करता है, जो प्रोड्यूसर है, उसे नुकसान होता है, होता ही नहीं होता है, फायदा किसको है, कंज्यूमर को, नुकसान किसको है, प्रोड्यूसर को, जो पैदा करता है उसको क्या है, नुकसान है, प्याज पैदा करने वाले को नुकसान हो रहा है। तो प्याज पैदा करने वाला दोबारा खेती नहीं करेगा, प्लस प्लस जो उसने मजदूर काम पे रखे थे, उन मजदूरों को नौकरी से वो निकाल देगा कि जब मेरा कुछ नहीं बन रहा यहाँ पर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी ना इससे। होगी ना अनएम्प्लॉयमेंट कि नहीं होगी, जो वॉशिंग मशीन 15,000 रुपए की है, वो 2,000 रुपए में आ जाए तो नुकसान किसका हुआ, जिसने वो दुकान खोल रखी है, क्या बोलेगा वो, अरे मेरा ही नहीं बन रहा यहाँ पे यार, दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है, एक काम करो निकलो तुम घर को। तो दुकान में 5-6 लोग थे काम कर रहे, उनको जॉब से वो निकाल देगा। आपको नहीं लगता कि इस तरह से सस्ते रेट हो जाना, बहुत ज्यादा कम हो जाना, प्याज 5 रुपए क्या होता, कुछ नहीं, तो उस रेट में कुछ चीज बिकना मीन्स लागत का पैसा वापस नहीं आ रहा है। जो वॉशिंग मशीन खरीदी 12,000 रुपए में, बेचना चाहिए 13 बेचना 6, 7 या 8 में, तो इससे क्या होगा, नुकसान हो रहा है। कोई आदमी ऐसा धंधा करेगा कभी भी कि इस प्रोफेशन में ज्वाइन करेगा क्या? तो नेचुरली जिनको घाटा हुआ कौन लोग हैं,
वो प्रोड्यूसर है या वो बिजनेसमैन है या वो किसान है, इन सबको घाटा होता है। चीजें बहुत सस्ती होने पर पैदा करने वाले को घाटा होता है, वो फिर ये काम नहीं करेगा, और जब ये काम बंद करेगा तो सारे लोग नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बेरोजगारी हो जाएगी। तो एक बात साफ है कि बहुत सस्ते दाम होने पर, जब इन्फ्लेशन या महंगाई बहुत कम होती है, तो बेरोजगारी अपनी सीमा पार कर जाती है, ये बहुत हाई हो जाती है, राइट। मगर सपोज महंगाई बढ़ जाती है, इस पॉइंट को देखिए, यहां पर महंगाई बढ़ जाती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है। कैसे? मान लो प्याज जो है वो बिकना था 30 का, बिक रहा है 300 का, तो किसान क्या हो जाएगा? हाँ जी, खुश होगा ना किसान, और किसान बोलेगा लेबर कितनी है मेरी? 5 है, जो भी काम करती है बिहारी लेबर्स, एक काम करो 4 बंदे और ले आओ, आपसे हम आराम करेंगे, आईपीएल देखेंगे और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर बिंज वॉच करेंगे, अब हम नहीं करेंगे काम खेत के अंदर। तो विच मीन्स और इंप्लॉयमेंट क्रिएट हुई ना, ये फैक्ट है कि नहीं है? जब आपको फायदा पहुंचता है किसी भी काम के अंदर, आप चाहते हो आप आराम करें और काम को आगे दे किसी को, दैट इज कॉल्ड जॉब्स क्रिएशन। ये किसी इंडस्ट्रीज को, ये किसी फैक्ट्री वाले को अगर बेनिफिट होता है तो वो और एक्सपेंड करना चाहते हैं उस काम को, और लोगों को हायर करते हैं। तो जितना मुनाफा होता है, जितना फायदा होता है, उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती है। बट आपकी वो ठीक बात भी है कि भाई नुकसान किसको होने वाला है? फिर उपभोक्ताओं को, 300 रुपए प्याज खरीदेंगे तो उनको तो दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, खरीदते हैं लोग, लोग खरीदते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर भी बिकते हैं। देखो पैदा उतने किए गए हैं, वो टमाटर पैदा उतने किए गए हैं, राइट। जैसे मेरे गांव में कुछ लोगों ने टमाटर की खेती की थी, राइट, और टमाटर बाय स्काई हाई रेट पहुंच गए उसके, तो उन्होंने टमाटर जब बेचे तो उन्होंने बेचे 70-80 रुपए में, मार्केट वैल्यू थी 150 रुपए में, 120-150, हाँ जी, हाँ उसी रेट पे जा रहे थे गांव में भी, तो वो इस हाई रेट पे बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वो नहीं बिक रहे हैं, ऐसा नहीं था, वो बेच रहे थे। देखो अंडरस्टैंड करिए, 150 कहीं मिल रहे हैं और आपको कोई 60 में दे रहा है, 70 में दे रहा है, तभी आप खरीदेंगे ना उससे। इट मीन्स कि अच्छे रेट तो उनको मिल ही रहे हैं, अच्छे रेट मिल जाते हैं। जो टमाटर खराब रहने होते हैं वो खराब हो ही जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, अब टमाटर सस्ते के बिक रहे हैं सारे, वो जो सब्जी वाले से खराब होते हैं कि नहीं होते है कि नहीं है? जब टमाटर 300 रुपए थे ना, तो सब्जी वाला उसको शाम को फ्रिज में रख रहा था 8 से, चल अंदर चल, सुबह फिर आना तूने यहाँ पर। और टमाटर सस्ते हैं, देखो वेस्टेज 15-20% होती रहती है सब्जियों में, वेस्टेज है ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खरीदेगा तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर कि लॉन्ग टर्म में जब आप नहीं खरीदेंगे उसको, तो अपने आप प्राइस नीचे चले आएंगे अपने आप। पर मान लो कुछ लोगों ने जो इसको महंगे दाम पर बेचा, वो तो प्रॉफिट ले गए ना। सारा गेम है कि समय पे आपने क्या कर दिया। तो जिन लोगों के टमाटर उस महंगाई में बिके होंगे उनको फायदा हो गया, और जो थोड़े लेट से बेचे होंगे जिन्होंने, तो दाम फिर कम हो गए होंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, और फिलहाल हम इतना कंफ्यूजन नहीं करेंगे इसे। मतलब अंडरस्टैंड करिए कि अगर बेरोजगारी, सॉरी, अगर महंगाई ज्यादा है तो बेरोजगारी कम होगी, अगर महंगाई कम है तो बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी, सही कि नहीं है? तो कम महंगाई देश के लिए सही नहीं है, बेरोजगारी काफी बढ़ जाती है, राइट। तो महंगाई बहुत कम होने पर मुनाफे या मुनाफा कम हो जाता है, जब महंगाई कम हो जाती मुनाफा कम हो जाता है, मुनाफा कम होता तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, बेरोजगारी क्रिएट होती है इससे। और अब जो बेरोजगार लोग हों उनके पास पैसा तो बचा नहीं है, जो लोग काम से निकाल दिए गए हैं वो जॉबलेस हैं, पैसों की जेब में नहीं है, अगेन दिक्कत पैदा हो जाएगी देश के लिए, ठीक है जी। तो अगर इंप्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, थोड़ी महंगाई क्या है जरूरी है, और महंगाई बहुत ज्यादा कर देंगे फिर भी सही नहीं है। इसलिए महंगाई को 2% से कहां तक रखना आपने, 6% तक। बहुत ज्यादा महंगाई होने पर भी लोगों का जीवन यापन काफी मुश्किल हो जाएगा, लोग स्ट्रेस में चले जाएंगे। स्ट्रेस में क्या होगा, अगर दाल 500 रुपए किलो है, टमाटर जो है 300 रुपए किलो है, प्याज 400 रुपए किलो है। अभी पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले, तो कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में आटा जो है वो 200 रुपए किलो बिक रहा है, पाकिस्तान के अंदर टमाटर 600-700 रुपए बिक रहे हैं, बुरे हाल हो गए थे उनके, तो त्राहिमाम त्राहिमाम था। तो इस सिचुएशन में पब्लिक क्या करती है फिर? जैसे मान लो आप पाकिस्तान में तो ये हो रहा था, जैसे आप टमाटर लेके कहीं से आ रहे हैं, चोर आप पे आ गए चाकू लेके,
टमाटर दे, आटा दे, ये हाल हो गया था वहां पाकिस्तान के अंदर। इतनी महंगाई होगी कुछ लोग पे नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे इस महंगाई के अंदर। रोके नहीं है, अगर इस तरह के रेट होंगे तो आप सब्जी लेने जाएंगे खतरा मोड़ लेंगे आप, चोर चपाटे बढ़ जाते हैं, रोके नहीं है। तो इसलिए जो है जब पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ गई तो जो भी लोग शॉपिंग करने जा रहे थे तो वो साथ में गार्ड लेके जा रहे हैं। इस मान लो आप शॉपिंग करने जा रहे हैं खाने की वस्तुओं की, तो साथ में गार्ड है उनके, तो जाकर किंतु छीन ले रहे हैं लोग सामान रास्ते से, टमाटर छीन लिए, किसका प्याज छीन लिया, छीन के भाग रहे हैं। जब इतनी महंगाई हो जाएगी, लोगों की जेब में उतना पैसा नहीं होगा, फिर वो तो सर्वाइव करने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देंगे और इकोनॉमिकल सिचुएशन काफी खराब हो जाएगी। लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, लोग डरते हैं, फिर ये होता है दुकानदार डरता है, दुकानदार डरेगा तो दुकान वो शिफ्ट कर लेगा, बोलेगा नहीं मैं कराची में नहीं है लाहौर में काम करना है, तो सारा बिजनेस सारा ठप हो जाएगा, पूरी मार्केट तहस नहस हो जाती है जब ऐसा बेरोजगारी वाली कंडीशन क्रिएट होती है। हमारे आज भी सोसाइटी के अंदर चंबा में भी आप देखेंगे, कांगड़ा में भी देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे आप कि आज भी जो बेरोजगार यूथ है ना वो चोरी करता है, जैसे गाड़ियों में तेल निकाल लेना, राइट, बाइक का तेल निकाल लेना, बाइक के टायर निकाल देना। मेरे कुछ समय पहले ना कुछ एक घर में, हाँ जी, बहुत चोरी हुई लॉकडाउन, सही करें तो लॉकडाउन के टाइम पे हुआ क्या, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए पर अमल तो जिंदा थे तो इसलिए उन्होंने उनको पूरा करने के लिए चोरियां की। तो लॉकडाउन के टाइम की बात है, एक गेस्ट आए थे मेरे यहाँ पर और उन्होंने गाड़ी अपनी, सॉरी, बाइक नीचे नहीं लगाई, रोड पे लगा के चले आए। उनको लगा कि कौन, इंडिया में ऐसा है कि नहीं, हम कहीं बाइक लगा के चले आते हैं रात को रोड पे कि कौन चोरी करेगा। वो तीन थी, सुबह गए, टायर पत्थर पे खड़ी है, ऐसे खड़ी करी और टायर दोनों उठा के ले गए हुए, वेरी वेरी बैड। ये कौन लोग आ रहे हैं, तो रात को निकल रहे हैं, चोरी कर रहे, तो बहुत चोरी हुई है उस समय पे कोविड के टाइम पे। तो ऐसी स्थिति अगर लगातार हो जाए कि पैसा लोगों के पास नहीं हो, पैसा ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा, उसके बाद चोरी होगी ना, बैंक के बाहर डाकू आपको, आप पे हमला कर देंगे, बैंक में चोरी होना शुरू हो जाएगी और दुकानदारों के ऊपर हमले हो जाएंगे, उन्हें थ्रेट कॉल आएगी कि इतना पैसा लाओ तुझे वही धुआं धुआं कर देंगे, कुछ भी है होता है ना ऐसा। बिहार में, यूपी में इतना क्राइम क्यों है, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी की जस्टिफिकेशन नहीं कि आप क्राइम करेंगे, पर बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ते हैं, ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि लोगों की जरूरतें तो तब भी हैं जब पैसा नहीं है। इसलिए बिहार के अंदर नेचुरली लोगों से हफ्ता मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, दुकान लगानी है तो पैसा मांगते हैं, दुकान ठीक चल रही है तो पैसा मांगते हैं, उठा लेते हैं घर से लोगों को और फिर बोलते हैं पैसा दो तो हटाएंगे, इसे घर वापस भेजेंगे। तो ये सारे क्राइम बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ, रीजन इज दैट बेरोजगारी। तो बेरोजगारी है, उसे अगर डिफीट करना है तो नौकरियां बनानी है, नौकरी बनाने के लिए आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप बिजनेस स्टार्ट करिए। मगर अगर महंगाई के साथ जूझना है तो महंगाई को 2 से 6 तक रखो, 6 के ऊपर भी ठीक नहीं और 2 के नीचे भी ठीक नहीं। महंगाई कम हो जाएगी तो फिर बेरोजगारी क्रिएट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, महंगाई और बेरोजगारी का रिलेशनशिप कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, मतलब महंगाई ज्यादा बेरोजगारी कम, महंगाई कम बेरोजगारी ज्यादा। क्या आपने फ्लिप कर बना लिया, तो थोड़ा लिखिएगा इसके अंदर। जैसे ऐसा कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। उसके पास एक अर्निंग हैंड होना चाहिए या सपोर्टिंग हैंड होना चाहिए, राइट। सपोर्टिंग हैंड मीन्स पेरेंट्स इन दी सपोर्ट, अदरवाइज सर्वाइव कैसे करेगा। बेरोजगार आदमी की जरूरतें तो है ना, जरूरतें हैं, उसने काम करने, उसको पैसा चाहिए, तो पैसा कहीं से आए। एक है जेन्युइन सोर्स कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक है इलीगल सोर्स कि आपने धमकी दी, चोरी कर ली, वो भी है। बेरोजगार कोई भी आदमी होगा वो कुछ तो करेगा, कुछ करेगा जाकर, या तो वो फिर कई पेरेंट्स को धमकाएगा कि नहीं मेरे को पैसा दो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, कूद जाऊंगा वहां से, ऐसा बोल देगा वो, तो पैसे उसको वहां से मिल जाएंगे। अगर नहीं तो फिर वो किसी और को धमकाएगा, अरे साले पैसा लाने को वही फेंक दूंगा उस पुल के नीचे। दो कंडीशन होती है, अगर आप में गट्स हैं तो आप दो लोगों को बोलेंगे मारने के लिए, और नहीं है तो बोलेंगे मैं खुद मर जाऊंगा, नहीं तो पैसा दो मेरे को। तो पैसा सबको चाहिए, बिना पैसे के सर्वाइवल मुमकिन नहीं। तो इसलिए ये कर्व बिल्कुल सही कर्व है, इसमें डाउट मत करिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, ये 100% ट्रू कर्व है कि अगर बेरोजगारी कम होगी, सॉरी महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी अधिक हो जाएगी।
लिखिएगा, इस कर्व के अनुसार, एज पर दिस कर्व, इस कर्व के अनुसार, एज पर दिस कर्व, यदि महंगाई कम होगी, इफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, यदि महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस देन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, यदि महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, यदि महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। और यदि महंगाई ज्यादा है, इफ इन्फ्लेशन इज हाई देन अनएम्प्लॉयमेंट विल बी लेस, यदि महंगाई ज्यादा है तो बेरोजगारी कम होगी, इफ इन्फ्लेशन इज हाई देन अनएम्प्लॉयमेंट विल बी लेस, यदि महंगाई ज्यादा है तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, ट्रू के नहीं है। तो इस तरीके से बातें समझ आती हैं, मगर फिर भी ये नहीं कि महंगाई और ज्यादा कर दो तो बेरोजगारी का सलूशन यही है, नहीं ऐसा भी नहीं है, राइट। इसे आप बिल्कुल 100% ट्रू ना माने, अगर महंगाई से बेरोजगारी का बिल्कुल ऐसा रिलेशनशिप हो तो ये कर्व ऐसे नहीं, ये कर्व कैसे होता, यूं, मीन्स महंगाई बहुत हाई तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कर जाएगी जीरो, तो ये जीरो करने की बात नहीं कहता कभी, हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज की बात कह रहा है। देखो ये ग्राफ भी नीचे नहीं गया ना पूरा, ऐसे फ्लैट हो गया, आगे फ्लैट हो गया, कि बिल्कुल आप महंगाई जीरो करके या महंगाई जीरो करके या महंगाई बहुत बढ़ाकर भी कोई सोल्यूशन आप लॉन्ग टर्म में अटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये बात तो साफ है कि बहुत ज्यादा अगर महंगाई हो जाती है तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी इससे, ये भी नहीं है। बहुत ज्यादा महंगाई होने से लोगों की जो सेविंग्स हैं उन पर नेगेटिव असर पड़ता है। जो चीज आज 15,000 रुपए की है वो 15 लाख की मिल जाए, मतलब आज जैसे कि वॉशिंग मशीन है, आपके पास 10 लाख की सेविंग है, वो 15,000 में मिल रही है आज, आपने आज नहीं लिया कि यार दिवाली में लेंगे, और दिवाली में बम्पर तोड़ महंगाई हो गई और अब वॉशिंग मशीन आ रही 15 लाख रुपए की, और आप छाती पीट रहे हैं, अरे अरे तब नहीं लिया, देखो अब वॉशिंग मशीन नहीं आ रही है हमारे पैसे में 10 लाख रुपए के अंदर। दिस शोज दैट कि अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपकी सेविंग्स, जो आपने इतने हार्डवर्क से बचाई है, पैसे बचाए हैं, उसकी कीमत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा महंगाई सही नहीं है, बट बहुत कम महंगाई भी नहीं सही है, ठीक है। इसलिए महंगाई की दर को 2% से लेकर 6% तक मेंटेन किया जाता है, लेकिन बहुत कम महंगाई और बहुत ज्यादा महंगाई दोनों सही नहीं है। वेरी लेस इन्फ्लेशन एंड वेरी हाई इन्फ्लेशन बोथ आर नॉट राइट, बहुत कम महंगाई और बहुत ज्यादा महंगाई दोनों सही नहीं है। वेरी लेस इन्फ्लेशन एंड वेरी हाई इन्फ्लेशन बोथ आर नॉट राइट, दैट इज वाई दे मस्ट बी कंट्रोल्ड बिटवीन 2% to 6%। इसलिए महंगाई को 2% से 6% के बीच नियंत्रित किया जाना चाहिए। दैट इज वाई इन्फ्लेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड बिटवीन 2% to 6%। इसलिए महंगाई को 2% से 6% के बीच में नियंत्रित किया जाना चाहिए, 2% से 6% के बीच में नियंत्रित किया जाना चाहिए, बात है कि नहीं है। तो इसलिए बहुत अधिक महंगाई होगी तो कंज्यूमर उपभोक्ता की बैंड बच जाएगी और वॉशिंग मशीन वाला नाचेगा, मैंने 12,000 की मशीन ली थी, वॉशिंग मशीन 3 लाख में बिकी है, उसके मजे नहीं लगे इसमें, मेरी दुकान वालों वॉशिंग मशीन की और मैंने लाई मशीन, वॉशिंग मशीन 15,000 रुपए की या 12,000 रुपए की, और मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ 15,000 रुपए में, मेरा 3,000 रुपए क्या है इसके अंदर बेनिफिट है, प्रॉफिट है, और इतना चल पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट। मगर मान लो महंगाई बहुत बढ़ जाए और वही वॉशिंग मशीन 1 लाख रुपए की हो जाए, तो उस बंदे ने खरीदी कितने की थी, 12,000 रुपए की, अब बिक रही है वो 1 लाख की, कितना उसका प्रॉफिट है, 88,000 या 88,000 उसका प्रॉफिट हो गया, तो वो घाटे में कहां है,
वो कहाँ घाटे में है, घाटे में कौन जा रहा है? कंज्यूमर की बैंड बज गई है, लाख रुपए मनरेगा की दिहाड़ी लगाई थी, 3-4 साल तो इकट्ठे किए थे, अब उसमें सिर्फ वॉशिंग मशीन आ रही है एक, राइट? इतनी हार्ड वर्क करके आप पैसा बचा रहे थे लाख रुपए की, कुछ चीज लेंगे, वॉशिंग मशीन लेंगे और उसमें सोफा ले लेंगे, उसमें ये भी ले लेंगे, और कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ मशीन आ रही है। रीजन क्या है कि महंगाई बहुत हो गई है, पर महंगाई कम हो जाए तो कौन खुश होगा? कंज्यूमर की 15,000 की वॉशिंग मशीन 5,000 रुपए में आ रही है तो वो खुश होगा, पर रोएगा कौन उसमें? कौन रोएगा उसमें? जिसका दुकान का मालिक है वो रो पड़ेगा, बुरे हालत, मार्केट बिल्कुल खत्म होने वाली है, तो वो आदमी शायद कोशिश करेगा कि मैं काम धंधा बंद करूं ये वाला और कुछ और काम करूं, ये काम ठीक नहीं है, और काम बंद कर देगा, प्लस उसके यहाँ जो नौकरी कर रहे थे लोग 5-6-7 लोग उन्हें भी काम से निकाल देगा, बेरोजगारी बहुत क्रिएट हो जाएगी इससे। तो दोनों चीजें सही नहीं है इसके अंदर, ये बात आप जान लीजिए। अगली बात हम डिस्कस करेंगे कि क्या GDP को बढ़ाना RBI के हाथ में है कि नहीं। तो पहले जानते हैं GDP की चीज है और RBI कैसे बढ़ा सकता कि नहीं बढ़ा सकता। क्या कैन RBI इंक्रीज GDP ऑफ इंडिया? क्या RBI भारत के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ा सकता है? सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ा सकता है? कैन RBI इंक्रीज द GDP ऑफ इंडिया? तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट में कहते हैं GDP। तो क्या सच में इंडिया की GDP का बढ़ना और कम होना RBI के हाथ में है? RBI भारत की GDP बढ़ा सकता है कुछ हद तक, 1-2% चाहे तो बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है? इसका आंसर है, पहले तो लिखिए आप, हाँ कोई बता सकता है, यस या नो? हाँ जी, क्या RBI चाहे तो भारत की GDP को बढ़ा सकता है? उत्तर है यस, कुछ हद तक, मैंने टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक मीन्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ हद तक बढ़ा सकता है, तो यानी कि सारी कमान उसके हाथ में नहीं, ऐसा नहीं, कुछ हद तक चाहे तो 1-2% बढ़ा भी सकता है, पर संभल के, संभल के। कैसे? जैसे आपसे पूछूं मैं कि जो RBI है, अगर CRR को कम करवा दे तो क्या होगा? अगर RBI CRR को कम कर देगा मीन्स अब बैंक के पास लोन देने को ज्यादा पैसा होगा, तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे, सस्ता लोन दे पाएंगे, तो CRR कम किया तो लोन क्या हो जाएगा? सस्ता। भूलना मत, याद रखिएगा, बैंक के CRR कम करने से लोन क्या हो जाता है? सस्ता, क्योंकि अब बैंक के पास ज्यादा पैसा बचता है लोन देने के लिए। यदि आपके पास ज्यादा चीजें हैं तो आप उसे सस्ते में बेचना चाहते हैं, वैसे ही है। तो RBI ने सस्ता किया, सॉरी कम किया CRR, तो लोन हो जाएगा सस्ता, कमर्शियल बैंक सस्ता लोन देना शुरू कर देंगे। अब लोन सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा? अधिकांश लोग खरीदारी करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपका सपना था कार लेना या बाइक लेना, ताकि इंस्टा पे आप फोटो डाल सकें अपनी, और लोन सस्ता हो गया है तो अंदर से एक आग पैदा हुई रात को, लोन सस्ता, और बैंक आपको मैसेज करेगा साथ में कि कार लोन सस्ता हो गया है। मैसेज आते हैं कई बार बीच बीच में, आपको भी आते होंगे शायद, कि लोन सस्ता हो गया, लोन लीजिए, और कई बार तो कॉल्स भी आती हैं
एक आदमी को आई थिंक यूट्यूब पे कहीं फेसबुक में देखा कि उसे एक कॉल आ रही है बैंक की तरफ से लगातार काफी दिनों से कि लोन ले लो लोन ले लो। वो आदमी परेशान हो गया, तो उसको फिर फोन आए कि हम आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, और सर आपको लोन की क्या रिक्वायरमेंट है? उसने कहा जी हाँ रिक्वायरमेंट है। उन्होंने कहा कितने अमाउंट की? कहता 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ क्या बोल रहा है? तो बोलते सर आपको लेना क्या है? वो भी पजल हुई क्या बोलना है, कह रहा ट्रेन लेनी है। मैंने तंग कर रहे थे वो भी, उनका मजाक कर रहा उनके साथ। तो सर ट्रेन लेनी है तो आपका कुछ पहले कुछ और आपने लोन लिया किसी चीज के लिए? क्योंकि जब भी किसी को लोन देते हैं तो पूछते हैं कि क्या आपने पहले लोन लिया था, तो फिर उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। तो उसने कहा लिया था लोन पहले भी। सर किस चीज के लिए लिया था? कहता साइकिल के लिए लोन लिया था। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक का लोन जब सस्ता हो जाता है तो बैंक चाहता है कि न्यूज में लोगों तक पहुंचाऊं, लोग लोन लें। अब अगर लोन सस्ता होगा तो लोग लोन लेंगे ना, काफी ज्यादा लेंगे ना लोन, तो लोगों के पास पैसा क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो लोग क्या लेंगे फिर, कार, बाइक्स और क्या, मोबाइल और लैपटॉप, है ना, या एजुकेशन चाहेंगे, कहीं बाहर से कुछ करके आते हैं, आते हैं पढ़ के आते हैं, राइट, तो उसके लोन ले लेंगे। अब चूंकि कार बाइक और मोबाइल लैपटॉप आप लेना चाह रहे हैं तो आपने ये लेने कहाँ जाना है, दुकान पे। पर दुकान वाला इनको कहाँ से मंगवाएगा, कंपनी से। तो एक कंपनी के अंदर मांग सामान की बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना कंपनी के अंदर। कंपनी से, कंपनी जो बना रही कार, जो बना रही बाइक, बना रही मोबाइल लैपटॉप, उसकी क्या होगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। प्लस ज्यादा कार बनाएगी, ज्यादा लैपटॉप बनाएगी, फोन बनाएगी, तो भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी। क्यों? कि जीडीपी होती क्या है, जो भारत अंदर वस्तुएं और जो बनती हैं, वस्तुओं से जो सेवाएं होती हैं, मूल्य जो भारत में वस्तु सेवाएं बनती है ना, उनका मूल्य कहलाता है जीडीपी। वस्तुएं तो फोन लैपटॉप कार हैं, और सेवाएं क्या होती, कार की सर्विस, ये क्या है, ये सेवा है। मोबाइल फोन क्या है, गुड्स, और उस पर नेटवर्क जो है वो, जिसका रिचार्ज करवाते हैं 200-250 रुपए, दैट इज सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस, ये वस्तु और सेवा, उसका मूल्य कहलाता है जीडीपी। उन्होंने लोन बहुत ले लिया तो कार बाइक्स लैपटॉप स्कूटर सब ले रहे हैं, तो बाजार में फिर मांग बढ़ जाएगी कंपनी के प्रोडक्ट्स, कार स्कूटर या जो भी है, तो इससे क्या होगा, कंपनी और कार और फोन और लैपटॉप बनाएगी, विच मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैज इंक्रीज, वस्तुओं की पैदावार बढ़ जाएगी। आप जानते वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही क्या होता है, जीडीपी। ज्यादा वस्तुएं बनेंगी तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, बात है कि नहीं है। जितनी ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ती। तो लोन देने से क्या हुआ, लोन देने से कार बाइक्स मोबाइल फोन लैपटॉप लोग लेना चाह रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट कंपनी और कार और फोन और लैपटॉप बनाएगी। एंड बिकॉज ऑफ रीजन जशन देश की बढ़ती है वस्तुओं की, तो जीडीपी वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन का जो जो वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। फॉर एग्जांपल भारत की जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, मींस इंडिया हर साल 3.5 ट्रिलियन डॉलर की वस्तु या सेवाएं बनाता है, पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ज्यादा डिमांड, ज्यादा कार, ज्यादा फोन, ज्यादा लैपटॉप, ज्यादा स्कूटर, ज्यादा जो भी है, जब प्रोडक्शन देश में बढ़ेगी तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, राइट। तो जीडीपी का बढ़ना मीन्स ज्यादा वस्तुएं ज्यादा सेवाएं प्रदान करना। सपोज मैं बनाता हूं चेयर या कुर्सियां, चेयर और टेबल बनाता हूं, मान लीजिए, तो चेयर और टेबल में बनाता हूं तो जितने ज्यादा मैं चेयर और टेबल बनाऊंगा उतनी जीडीपी बढ़ेगी।
अब मैं चेयर और टेबल क्यों बनाऊंगा जब डिमांड आएगी? लोग आएंगे, चेयर दो, टेबल दो, 10 दो, 20 पीस दो, 1000 पीस दो, तो मैं ज्यादा और बंदे लगाकर उसे तैयार करूंगा। तो अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो रीजन के डिमांड उन उत्पादों की बढ़ चुकी है। लोग लोन लेके कार, बाइक, स्कूटर लेना चाह रहे हैं, लैपटॉप, फोन लेना चाह रहे हैं, तो ये मांग पूरी कौन करेगा? कंपनी उसे बनाएगी तुरंत, और तुरंत बनाएगी और पैदावार बढ़ा देगी। जब पैदावार बढ़ेगी तो देश की जीडीपी भी बढ़ जाएगी। तो जीडीपी का मतलब यही होता है कि वस्तुएं और सेवाओं का कुल मूल्य कितना जो आपने पैदा किए हैं। तो वस्तुएं और सेवाएं ज्यादा पैदा होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा पैदा होंगी, तो ज्यादा जीडीपी उसकी हो जाएगी। सही कि नहीं है? तो एक बात समझ आई आपको कि लोन सस्ता करने से आरबीआई देश की जीडीपी को बढ़ा सकता है, और आरबीआई लोन सस्ता करेगा सीआरआर के कम करने से। फिलहाल इस पर देखिए ध्यान, आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा। अगली बात, जब कंपनी की ज्यादा कारें बिकी हैं, ज्यादा फोन बिके हैं, तो कंपनी को क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना, है कि नहीं? बहुत ज्यादा कंपनी को क्या होता है? प्रॉफिट। अब कंपनी में काम कौन करते हैं? वर्कर, ठीक है जी। तो कंपनी में वर्कर काम करते हैं और कंपनी को फायदा हुआ तो कंपनी अनाउंस करेगी बोनस किनको? वर्कर को। जब भी कंपनी को फायदा पहुंचता है बहुत ज्यादा, कंपनी बोनस अनाउंस करती है अपने वर्कर को। जब वर्कर को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, बोनस मींस व्हाट? एक्स्ट्रा पैसा है ना, तो वर्कर जाएगा और विमल तमाकू खाएगा, जैसे मान लो, या क्या खा सकता है वो? शराब पिएगा, है ना? तो विमल तंबाकू कंपनी का जो पैदावार है बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, जीडीपी बढ़ेगी। शराब कंपनी किंगफिशर, और शराब लाओ तो ले और बढ़ाता हूं जीडीपी, राइट? तो जब इन उत्पादों की डिमांड बढ़ेगी तो जिन जो कंपनी इनको बनाती है उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ जाएगी। तो जीडीपी का बढ़ना डजंट ऑलवेज मींस कि जो है वो देश में सही काम ही हो रहा है। कुछ लोग तंबाकू खाएंगे, कुछ लोग शराब भी पिएंगे, तो पर अगर पिएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ जाएगी। तो जीडीपी का बढ़ना मींस प्रोडक्शन का बढ़ना। एक आदमी को क्या क्या चाहिए होता है? एक पर्सन को रोटी, मकान, तीन चीजें बेसिक है। इसके बाद क्या चाहिए उसको? नहीं, वो तो पैसे में आएगा क्या? हाँ जी, गाड़ी, हाँ, लग्जरी लाइफ, लग्जरी हाउस, कुछ भी है, पर नशा चाहिए ना उसके बाद, तो उसके बगैर क्या है, राइट? तो नशा, विमल, गुटका, शराब, ये चाहिए उसके बाद। तो बिना इसके आदमी रह सकता है क्या? हाँ, रह सकता है? नहीं रह सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप जरा एक्सपेरिमेंट करना एक समय बाद। रह इसलिए नहीं पाएगा वो आदमी क्योंकि लाइफ के फ्रस्ट्रेशन को कैसे संभालेगा वो? जब काम का प्रेशर पड़ेगा, लाइफ का प्रेशर पड़ेगा, या तो आप घर में किसके मर्डर कर दोगे, या पड़ोसी को आप मार दोगे, पीट दोगे, या फिर इस रास्ते पे निकल पड़ोगे। ये मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं 99% के बारे में कह रहा हूं कि आप इनसे दूर जा ही नहीं सकते हैं। एक दिन मैंने सर्वे करवाया था, फिर करवाता हूं। आपकी फैमिली में दादा परदादा कितने हैं जो ये कुछ नहीं करते, ना सिगरेट पीते हैं, ना बीड़ी पीते हैं, ना तंबाकू खाते हैं, ना दारू पीते हैं? कितने दादा नाना के यहाँ किसके हैं, या किसके पापा पे आते हैं? चलिए, आपके पापा, जितने भी पापा यहाँ पे हैं, तो कितने हैं जो कुछ नहीं करते? एक, दो, चार, कुछ नहीं करते, राइट? चलिए, नहीं नहीं नहीं, चलो ऐसे दिल पे मत लो। चलो, हो सकता है चोरी छुप के, हाँ, कभी नहीं किया आपके पापा ने, कभी नहीं किया? दादा पे आते हैं, ये ज्यादा डिफॉल्टर होते हैं। क्योंकि जब जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता, 50 के बाद करा क्या यार, चलो पीते हैं। किसके हैं दादा जो, अरे यहाँ भी ये हो कह रहा है, ये तो मेरी पढ़ाई बेकार हो रही है।
तो 3-4 लोगों के ऐसा क्या कारण है? क्या वो कुछ राधा स्वामी है या कुछ उन्होंने कोई धारण वान कर लिया, अमृत चख लिया, क्या किया है? हाँ, कोई कारण इसके पीछे, कोई ज्वाइन कर रखी संस्था? हाँ जी, नहीं, मैं वो तो मैं बोल ही रहा हूँ उस चीज के बारे में। मैं कह रहा हूँ सिंपली कि कोई अमल है क्या, कोई नशा है क्या, कोई तो बचपन से नहीं उनको। और कौन है जिनके आपने कहा स्टार्टिंग से नहीं है? कोई संस्था ज्वाइन की है? हाँ जी, नहीं ज्वाइन की है। उर्मिला ज्वाइन कर रखी है, क्या ज्वाइन की है? हाँ जी, अच्छा, पूरी फैमिली हुआ है। मैं ही फंसा इस चंगुल में 8 साल से। आप अच्छा, 3-4 लोग यहाँ निकल रहा है, मगर ये रेयर है, ये रेयर ऐसा है कुछ नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग आप पाएंगे कि करते हैं ऐसा। तो जो एक तो लोगों का मन कहीं लग चुका है, जैसे राधा स्वामी सत्संग सुनने जाएंगे संडे को, राइट, तो वहां पे कुछ सुनते हैं बातें, उनके उपदेश सुनते हैं, तो लगता है नहीं नहीं सही रास्ते पे है, नहीं करना चाहिए, सही रास्ते पे है, सही कि नहीं है? नहीं तो ऐसे कैसे लेगा? कोई होगा बोलने वाला ना कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम ये सारे कुछ नहीं है, बेकार लोग हैं, ये करते हैं ऐसा, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। और जो ये कुछ नहीं करते ना, ये लोगों की सुना सुना के जो बैंड बजाते हैं तो क्या आदमी तुम लोग यार है? तो और बड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस अक्षय कुमार वाली फील लेते हैं कि नहीं, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ इस चीज के ऊपर, मगर ऐसा लगता है। मैंने भी ऐसी फील ली है ना, 8-10 साल, 10 साल तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया और मैं सबको हॉस्टल में होता हुआ, तुम क्या मानव दानव हो यार, राक्षस तुम लोग, क्या खाते हो तुम लोग, तो मैं ऐसा बोलता था। एक अच्छी फीलिंग आती जब आप कुछ ऐसा नहीं करते हैं, और फिर आप हर व्यक्ति में कमी ढूंढना शुरू कर देते हो। नहीं सही बात मत बोलो भाई, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, राइट। अब जिनके नहीं करते ना बोरे वो लोग हैं, तो मगर जब हम कुछ नहीं करते ना तो हम फॉल्ट फाइंडर बन जाते हैं कि ओए तुम्हें और क्या करता है, तो स्कूल नहीं आता है, ये ऐसे करते हैं, वो करते हैं, तो आप उनमें कमी ढूंढना। जो आदमी जैसे गांव के अंदर सबसे बड़ा डिफॉल्टर जो होता है ना, वो आपको हमेशा चिल करेगा, बहुत बढ़िया ऐसे बोल रहे राइट। नहीं, वो चलो वो तो डिफरेंट चीजें हैं, पर हम टॉपिक से भटक रहे हैं, चलिए छोड़िए इस चीज। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे कंपनी का मुनाफा या बोनस, मुनाफा बढ़ेगा कंपनी बोनस अनाउंस करेगी, ये बोनस मैंने एक्स्ट्रा पैसा, वर्कर को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो वर्कर में बुरी आदतें लग जाएंगी कि पैसा आया है तो एक्स्ट्रा पैसा आया है तो कुछ इंजॉय करते हैं, राइट, मिठाई और जलेबी से काम चलने वाला है नहीं। सीरियसली जो लोग ऐसे नेचर के हैं वो कुछ ऐसी चीजें खाकर अपने आप को संभाल लेते हैं, तो कुछ लोग जिनके पैर डगमग करते हैं तो वो लोग नहीं संभाल पाएंगे, और वो इस मोमेंट को थोड़ा सा इंजॉय करना चाहेंगे। इंजॉय कैसे कर पाएगा आदमी? सपोज आपको बोनस मिला 3 लाख रुपए का, कैसे इंजॉय करेंगे आप? मंदिर जाकर भगवान की और नारियल चढ़ाकर? कुछ लोग करेंगे ऐसा, कुछ लोग उनके दिमाग चढ़ जाएगा कि यार क्या कर रहे हैं, इसका पैसा आया है क्या कर रहा है इसका। मैंने बहुत सारे लोग रास्ते में भटकते देखे बिकॉज ऑफ कि बोनस आया था और उनकी सारी आदतें खराब हो गई बिकॉज ऑफ दैट। तो जब भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता है कुछ इसी ऐसी वाली चीजें आप यूज करना चाहें वो शुरू कर देते हैं, या आप नहीं भी करेंगे ना, जैसे मान लो आप बिल्कुल सूफी संत हैं तो आप बोलेंगे लोगों को गांव के, और बोनस मिला मेरे को यार, आओ तुम्हें शाम को पार्टी करवाता हूँ। आप नहीं करते, उनको आप करवाएंगे, आप उनको पार्टी देंगे या उनको जलाएंगे थोड़ा सा, ये बोनस आया है 10 लाख का, आओ यार पी लो, तो आप 1000-1200 रुपए खर्च करके उनको थोड़ा सा जलाएंगे, पिएंगे, फिर आपको गाली देंगे कि तेरी ऐसी तैसी तो लता है, औकात है। तो इस तरीके से मीन्स एक बात तो साफ है कि जब भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो ये उत्पाद बिकेंगे और बिके हैं बहुत ज्यादा। जब भी लोगों की इनकम इंक्रीज हुई है, तो जब भी कंपनी ने बद्दी नालागढ़ कहीं भी कंपनी उन्होंने जब बोनस अनाउंस किया है तो विमल तंबाकू और शराब के ठेकों की सेल बढ़ गई है जब भी बोनस अनाउंस हुए हैं। तो जब भी किसी इकोनॉमी में बोनस मिलना शुरू हो जाते हैं तो लोग ऐसी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब कई लोग कहते हैं कि विमल तंबाकू लोग खाते हैं और ये गलत है, अक्षय कुमार ऐड कर रहा है, सलमान खान ऐड कर रहा है, सलमान खान ही सर, दिस इज शाहरुख खान और एक और अजय देवगन और जुबा केसरी एक ऐड आती है, राइट। तो कई लोग बोलते हैं कि इनकी अपनी मॉरल वैल्यू नहीं है, नैतिकता भूल गए हैं,
है ना, अक्षय कुमार को जब ऐसा फायर बैक हुआ तो उसने कहा कि मैं गलती से आया हूं, मुझे नहीं मालूम था विमल क्या चीज होती है, गलती से मैंने मैं भूल गया, सोए हुए ऐड कर दी मैंने, मुझे नहीं मालूम था कि विमल क्या चीज है, और इसलिए मैं इस ऐड से खुद को वापस लेता हूं। तो कई साल तक, कई साल के मेरे ख्याल से 6-8 महीने, 6 महीने मेरे ख्याल से उस एड पे भी शाहरुख खान और यही थे दोनों, अक्षय कुमार नहीं थे बिकॉज गुड बॉय की। अब नई एड में फिर से आ गया वो, मैंने गिल्ट जो वाला भूल गए लोग दोबारा करते हैं। ये सभी लोग एक्टर या जो भी है, इनकी अपनी मॉरल ड्यूटी नहीं है, राइट। ये सोचते हैं कि अब पब्लिक भूल चुकी है इस मुद्दे को, मुद्दा ठंडा पड़ चुका है, अब उसको पैसे मिल रहे हैं अच्छे वाले। इस एड करने के इनको 70-70 करोड़ रुपए दे जा रहे, 70-70 करोड़ रुपीज, पढ़ाएं कैसे इसको 70 करोड़। लोग बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार ऐसा था, इसकी इमेज गुड बॉय की है, अच्छी फिल्में करता है, फिट रहता है, जिम जाता है, सुबह 3 उठता है, अभी गुटखा की ऐड कर रहा है, तो लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये आदमी कैसा है, तो उन्होंने छोड़ दिया और फिर दोबारा कर रहे हैं। तो फिर अगेन अक्षय कुमार को ट्रोल किया जा रहा है कि फिर से ऐड कर रहा है विमल गुटखा की। मगर हैरानी की बात क्या है कि हमारे सरकारें ऐड करती है इसी से। चम्मा बस स्टैंड में जाओ, विमल लिखा ना ऐड बसों के ऊपर, HRTC की बसों पर, तो HRTC की बसों पे विमल की एड चल रही है, बताइए आप। टीवी चैनल पे एड चल रही, टीवी चैनल वाले क्यों एड चला रहे हैं? अगर अक्षय कुमार का आना बुरा तुम कैसे देख पा रहे हैं अक्षय कुमार को, बिकॉज ऑफ टीवी पोस्टर या जो ये बसों पे लगते हैं। दैट इज वाई मॉरली तो आप कुछ कह सकते हैं, मगर ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब भी लोगों के पास पैसा बढ़ता है, बोनस वगैरह मिलता है, तो वो नशे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसके बगैर ह्यूमन बींग का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। एंड अल्टीमेटली अगर आप बोलें कि बिल्कुल नशा खत्म करना है, नशा समाप्त कर देना, नशे को जीरो कर देना है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है जीरो इसको, राइट। पर हाँ, जो ऐसी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हेरोइन है ना, या फिर दिस इज कोकीन, राइट, या फिर चिट्टा, ये बहुत खतरनाक ड्रग्स हैं, राइट, क्योंकि इनको लेने के बाद आदमी डेड हो जाता है। कई लोग हमारे घर में अंकल जो लोग होते हैं जो पीते हैं और फिर नॉर्मल रहते हैं ना, आराम से बातें करते हैं, ये कोई हार्मफुल इतना नहीं है जो अल्कोहल है, मगर ये जो कोकीन है, या अगर कोई अंकल ले ले इसको तो बात करेगा आपसे, वो फिर ऐसे कहीं दिखता रहेगा बल्ब को, ऐसे बैठा होगा, ये खतरनाक है। तो अल्कोहल या सिगरेट या ये है खतरनाक, ये भी गुटखा भी ठीक नहीं है, मगर ये इतनी हार्मफुल कैटेगरी में नहीं, जितनी हार्मफुल कैटेगरी में ये दूसरी ड्रग्स हैं कि लिया और रोड पे कहीं लेटे पड़े हैं, उठे नहीं वहां से, इज वेरी वेरी हार्मफुल। तो वो चीजें खतरनाक ज्यादा है, बाकी नॉर्मल चीजों में वैसे कि नहीं। अच्छा, कोई आपसे कहे कि ह्यूमन बीइंग को कंप्लीटली ड्रग से आउट करना हो तो कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? ये तभी मुमकिन है जब वो सारी मोह माया को त्याग दे, कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो ये है ये भी तुम्हारा नहीं है, जो होगा तुम्हारा नहीं होगा, तब जाके दिमाग घूमता कि यार क्या करना है कुछ लेकर। और जब आपके एस्पिरेशन है कि उसने वो ले लिया मैं भी लूंगा, पर नहीं ले पा रहे हो तो फिर दुख होता है, एंड देन यू ड्रिंक, राइट, और वो फ्रस्ट्रेशन आउट होती है। पर नॉर्मल सिचुएशन में इसे आउट करना बहुत मुश्किल है।